हमारे गायत्री परिवार से जुड़े हुए सभी देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, इसके अलावा भी जो लोग हमारे गायत्री परिवार के इन प्रयोजनों से जुड़े हुए हैं, सभी को संबोधित करते हुए मैं अपनी बात शांति कुंज से कह रहा हूँ। आने वाले समय में एक बड़ा महत्वपूर्ण अभियान आने वाला है, जिसका नाम है ग्रहे ग्रहे गायत्री यज्ञ, ग्रहे ग्रहे गायत्री उपासना। इसको इस वर्ष का नाम दिया हमने, इस वर्ष पूरे साल भर हम इसको चलाएंगे। 2 जून परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुण्यतिथि है। 2 जून 1990 को उन्होंने शरीर छोड़ा था, महाप्राण किया था, और पहले से बता के किया था कि हम इस दिन शरीर छोड़ देंगे। गायत्री जयंती थी उस दिन। तो ये जो 2 जून है, ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है हमारे सबके लिए, और गायत्री जयंती होने के नाते भी, और परम पूज्य गुरुदेव का महाप्राण दिवस होने के नाते भी। तो ये एक दिन एक साथ हम क्या श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं, हम सब मिल करके क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने एक लक्ष्य बनाया है कि हम एक साथ 2,40,000 घरों में एक साथ यज्ञ संपन्न करेंगे। यज्ञ एक कुंडी होगा, किसी को इससे ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में करिए। और इसके लिए किसी पंडित को बुलाने की ज़रूरत नहीं, आप पंडित बन जाइए। हमने मोबाइल पे इसके कर्मकांड वगैरह सब कुछ फीड कर दिए हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये जो ग्रहे ग्रहे गायत्री यज्ञ, ग्रहे ग्रहे यज्ञ और ग्रहे ग्रहे गायत्री उपासना का जो हमने क्रम चलाया है, ये 2020 से लेकर 2026 तक 1 करोड़ के लगभग घरों में हम करना चाहते हैं, और 2026 में जब एक साथ करेंगे तो 10 करोड़ घरों में एक साथ संपन्न हो रहा होगा। एक साथ किए गए पुरुषार्थ से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, बहुत बड़े फलितार्थ मिलते हैं। एक साथ करने का मतलब ये होता है कि आप सब ने पूरी ग्लोब में, पूरे हमारी जो ह्यूमंस रेजोनेंस है, जो पृथ्वी के चारों तरफ एक घूम रही है रेजोनेंस, इसमें आपने अपनी आहुति दी। हम अकेले करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कई व्यक्ति करते हैं अपने घरों में यज्ञ, पर ये यज्ञ बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है, और ऐसा है जिससे कि आपकी गायत्री उपासना को पूर्णता मिले। यज्ञ जो है, इसके माध्यम से हम अपनी आहुति ब्रह्मांड को देते हैं। अयम यज्ञ विश्वस्य भुवनस्य नाभि, भगवान ने कहा है कि मैं यज्ञ के रूप में विश्व भुवन की नाभि के रूप में मौजूद हूँ, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस है तो आपने अगर यज्ञ किया है तो यज्ञ के माध्यम से आपने ये आहुति पूरे पूरे ब्रह्मांड के सेंटर में दी है, और ये पूरे विश्व में फैल जाएगी। इसलिए ये जो 1 करोड़ नए घरों में हम गायत्री यज्ञ उपासना का विस्तार करने जा रहे हैं, उसके लिए आप सबकी हम आहुति मांगते हैं। और इसमें उस दिन आप 9 से 11 का तक समय, संडे है, पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक साथ ये क्रम संपन्न होगा। भारत में ये होगा कि एक एक ही टाइम टाइम हम साइकिल में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। विश्व में अनेक 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 देशों में, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, और साउथ अफ्रीका है, इन सब में अलग अलग समय में होगा, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, एक साथ रिदम बन जाएगी पूरे विश्व में। इसके साथ एक लक्ष्य और है, 25 लाख अखंड ज्योति सहित मासिक पत्रिकाओं का हम जो है संवर्धन करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। अखंड ज्योति पत्रिका आप सब जानते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से हम लोग लिखते हैं, लिखता भले ही मैं हूँ, परंतु वास्तव में जो इसकी प्रेरणा है वो गुरुदेव की तरफ से आती है, और ये हिंदी इंग्लिश सहित करीब करीब 25 लाख की संख्या में छपती है, और 25 लाख की संख्या में छपने के बाद बढ़ती है। इसके अलावा इसके इलेक्ट्रॉनिक एडिशन्स भी मौजूद हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सदस्य बना सकते हैं। यह विराट यज्ञ अनुष्ठान है, ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान इसको कैसे कह सकते हैं, कि एक प्रकार का ये एक लोकहितकारी प्रयोग है, जिसमें कि ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया जा रहा है। एक साथ किए गए यज्ञों से बड़ा महत्व मिलता है। अगर आपको मालूम न हो तो बता दूं कि भगवान राम जब रावण से लड़ रहे थे, तो उस समय भरत ने पूरे अयोध्या में एक साथ यज्ञ कराए थे, घर घर में, और उसका परिणाम ये मिला कि उसकी ऊर्जा जो है पूरी पूरी भगवान राम के साथ जुड़ी। अवतारी चेतना के साथ जुड़ना बहुत बड़ी बात है, अवतारी चेतना तो अपने आप में ही सफिशियंट है, वो तो स्वयं भी कर सकते थे, परंतु उन्होंने एक प्रयोग किया कि भाई इसमें सब जुड़े हैं, सारे के सारे अयोध्यावासी जुड़े हैं, सारे भारतवासी जुड़े हैं, और उसमें कई ऋषि मुनियों ने भी आहुतियाँ डाली,
उसी समय जिस समय गिरावण की जो का युद्ध जब पीक पे था बिल्कुल उस समय। तो आप जो है इसके साथ साथ एक काम और करेंगे, यज्ञों के संचालन हेतु पुरोहित भी तैयार करिए, आप ही तैयार बन आप ही हो जाइए, आप पुरोहित बन जाइए। कर्मकांड का प्रशिक्षण हम लोगों ने पूरा का पूरा एक उसमें डाल दिया है, ऐप में डाल दिया है, और ये आपके लिए अवेलेबल है ऑनलाइन, ये इसको आप देख लीजिएगा कि आप कैसे कर सकते हैं। कार्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क है, आपको केवल यज्ञ की लिए व्यवस्था करनी है तो लोकल शक्तिपीठ से या आप जहाँ से भी उपलब्ध हो, और नहीं तो भी शांतिगुंज में आप संपर्क करके यहाँ से सब कुछ कर सकते हैं। अभी समय है अपने पास, 2 जून अभी समय है। कार्यक्रम सर्वजन हितार्था है, सर्वजन सुखाय, तो आप इसमें अपने जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल कर सकते हैं उतनों को शामिल करिए। भाई एक ही कुंड है तो क्या हुआ, आप 5 पारियाँ कर लीजिए, 6 पारियाँ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, घर में कर लीजिए, घर के आंगन में कर लीजिए, अपने बगीचे में कर लीजिए, कहीं भी कर लीजिए। कुंड न हो तो कोई बात नहीं, ईंटों की वेदी से आप वेदी बना लीजिए, ईंटों से वेदी बना लीजिए और उसमें कर लीजिए। इसमें कोई प्रशिक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको कोई निष्णात होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो सिंपल सी चीज़। हमारे गायत्री परिवार के परिजन तो 108 कुंडी यज्ञों में, 24 कुंडी यज्ञों में और इसके अलावा अश्वमेधों में जो उन्होंने प्रयोग किए हैं, 1250 कुंडी यज्ञ में, 1008 कुंडी यज्ञ में, और सबसे बड़ा जो प्रयोग हमने किया था 1508 कुंडी यज्ञ में जो पूर्णाहुति में किया था या आंवलखेड़ा में किया था, ये इसको आप तो इसके लिए निष्णात हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इससे युद्ध का और आतंक का वातावरण मिटेगा। देखिए आप देखिए कि ये जो महाचुनाव हो रहा है, महाअभियान चल रहा है, एक तरह से लोकतंत्र का पर्व है, ये ख़त्म हो रहा है और 23 तारीख को इसका रिजल्ट आ रहा है। इसके तुरंत बाद हम 2 जून को ये कार्यक्रम कर रहे हैं, 23 मई के बाद 2 जून को। इससे जो जितना भी विषाक्तता फैली है वातावरण में, अनाप शनाप बोला गया है सब तरफ से, वो भी मिटेगा, कालिख मिटेगी, और सबसे बड़ी बात ये एकता, क्षमता, समता, ममता, शुचिता ये बढ़ेंगी। कार्यक्रम जो है गुरुदेव ने कहा था आने वाला समय गायत्रीमय होगा और यज्ञमय होगा। मैं एक लेख गुरुदेव का याद करता हूँ, बार बार याद करता हूँ जब मैं लिखता हूँ, तो 1981 के सितंबर में परम पूज्य गुरुदेव ने एक लेख दिया था, जिस समय मैं आया ही था शांति कुंज, मैं 78 में आ गया था, पर उस समय जब मैं आया था तो मैंने उस लेख को इतनी बार पढ़ा कि मेरे को रट गया पूरी तरह से। सारे वातावरण को ही गायत्रीमय बनाना होगा, उन्होंने कहा इसके बिना बात बनेगी नहीं, गायत्रीमय बनाए बिना बात बनेगी नहीं, गायत्रीमय बनाने से ही वास्तव में विषाक्तता मिटेगी जो सूक्ष्म जगत के प्रदूषण में रूप में संव्याप्त है। हमारा जो वातावरण है, वात और आवरण, हमारे आसपास का वायुमंडल ये वाला, इसी के साथ साथ हमारा जो विचार मंडल है, आभा मंडल, ये भी प्रभावित होता है, तो ये सब जो है शुद्ध होगा, परिशुद्ध होगा। और इसके अलावा जो देवी अनुग्रह बरसेगा वो अलग से है। यज्ञ का फल न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, यज्ञ निश्चित रूप से फल देते हैं, मख वगैरह जो तांत्रिक यज्ञ होते हैं उनका ही फल मिलता है, पर वो उचित पात्र को देखकर ही मिलता है। आप तो गायत्री यज्ञ की उपासना कर रहे हैं इसलिए तो आप तो साधक हैं। देवी अनुग्रह जो बरसेगा उसे नवयुग का अवतरण होगा, और अपना गायत्री परिवार जो लोक मंगल के विविध कार्यक्रमों को चला रहा है, आंदोलनों को चला रहा है, आप देख रहे हैं चारों तरफ हम लोग गंगा की शुद्धि का कार्यक्रम चला रहे हैं, हम लोग जल स्रोतों की शुद्धि का कार्यक्रम चला रहे हैं। आज जिस दिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज गंगा सप्तमी का दिन है, और गंगा सप्तमी के दिन हमने पूरे हरिद्वार के कोने कोने में गंगा शुद्धि का आंदोलन चलाया है, और सबसे कहा है कि सबको अपने अपने घरों में शुद्ध वातावरण, शुद्ध जल, और इसके साथ साथ जो शुद्ध स्रोत हैं हमारे आसपास, नाले को साफ करिए, नालियों को साफ करिए, जितने प्रकार के जो स्रोत, जल स्रोत हैं, इनको शुद्ध करिए। ये जनश्रद्धा जो है जिसके माध्यम से लोग जुड़े हैं, ये हमारे महाअभियान का एक बहुत बड़ा जो है अंग बना है। देवी अनुग्रह, जनश्रद्धा, सत्पुरुषों और साधुओं को पुरुषार्थ इसकी सफलता का मूल कारण है। गायत्री और यज्ञ को कहा गया संस्कृति, भारतीय संस्कृति के माता पिता, गायत्री माँ है तो यज्ञ पिता है। यज्ञ हमें त्याग में जीवन जीने की चीज सिखाता है, कला सिखाता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो यज्ञ नहीं करता वो चोर की तरह से खाता है खाना, अर्थात नित्य यज्ञ जरूरी है, चाहे भले बलिवैश्य यज्ञ कर दो,
छोटा सा तीन चार अन्न के कण जो आपने बनाए हैं उसको रख करके उसमें एक अंगारा लगा दो। बलिवैश्य से शुरुआत होती है, फिर वो एक कुंडी यज्ञ, 24 कुंडी यज्ञ और अन्य यज्ञों के रूप में या दीप यज्ञ छोटे से दीपक के रूप में। अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिः, ये मैं आपको बता चुका हूँ। यज्ञ कल्याण हेतुवः, यज्ञ कल्याण के हेतु के लिए होते हैं। यज्ञो अयम सर्व कामधुक, समस्त कामनाओं की पूर्ति करते हैं। आपके घर में कलह है, आपस में बनती नहीं किसी की, छोटे बच्चे आपकी बात नहीं मानते, पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, दंपत्ति अपने माता पिता से लड़ते हैं, तो ये वातावरण को शुद्ध करने का तरीका सबसे बड़ा ये है कि यज्ञ के बारे में सूक्ष्म वातावरण शुद्ध हो जाता है और चिंतन भी सही हो जाता है। ये जो सारे वेद वाक्य हैं यज्ञ की गरिमा का बोध कराते हैं कि यज्ञ की गरिमा कितनी है। यज्ञ के अनेक लाभ हैं, मैं बताता हूँ आपको, सब जानकारी मिलेगी तो आपको करने में आनंद मिलेगा और लोगों को बताने में आनंद। यज्ञ समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है, श्रेष्ठतम कर्म माना गया है, यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ में डाला गया पदार्थ सूक्ष्मीकृत होकर के पूरे वातावरण में मिल जाता है, मतलब पदार्थ यज्ञ की अगर आप बात करें तो पदार्थ यज्ञ भी बहुत बड़ा है। यज्ञ पर्यावरण को शुद्ध करता है। हम लोगों ने यज्ञोपेथि का एक आंदोलन चलाया जिसमें कि ऐसा अंदाज है कि 3 से लेकर 4 लाख व्यक्ति एक साथ पूरे देश में जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और उसका हम वैज्ञानिक तरीके से आकलन कर रहे हैं पूरा पूरा। यज्ञ चिकित्सा से हम आदमी को स्वस्थ कर सकते हैं क्या, वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं क्या, वातावरण को स्वस्थ बना सकते हैं क्या, वातावरण को हम नेगेटिविटी से मुक्त कर सकते हैं क्या। यज्ञ जो धूम रहे हैं वायुमंडल की सुगंधि और पुष्टि प्रदान करने का काम करते हैं। यज्ञ वातावरण में विद्यमान रोगाणुओं को कीटाणुओं को नष्ट करता है। ये जो यज्ञ है ये उपचार की प्राचीनतम विधा है। अगर आप पूरे सारे चरक सुश्रुत सब देख लें तो उसमें हर एक में आपको मिलेगा कि यज्ञ करना चाहिए औषधियों का। औषधि वायुभूत हो जाती है, वाष्पीभूत हो जाती है तो सारे वातावरण में फैल जाता है वो धूम्र, और फिर उसका जो प्रभाव है वो हमारे घर के कोने कोने में जहाँ सूक्ष्म जीवाणुओं के विषाणुओं के होने की संभावना हो सकती उन पर होता है। बाकी तो आप चाहें किसी भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पर सबसे बड़ी इंसेक्टिसाइड अगर कोई है तो वह है यज्ञ धूम्र। यज्ञ उपचार की प्राचीनतम पद्धति है। यज्ञ द्वारा विश्व में संव्याप्त पंच तन्मात्राओं की जो सारी जो है उन सब तत्वों की दिव्य शक्तियों की पुष्टि होती है। यज्ञ द्वारा ही देवताओं को भोग लगाया जाता है, चाहे वो जगन्नाथपुरी हो और चाहे वो बद्रीनाथ जी हो और चाहे वो हमारा ये द्वारकाधीश का तीर्थ हो, हर जगह भोग लगाया जाता है, इसी के द्वारा लगाया जाता है। केदारनाथ में भी यज्ञ होता है पहले वहाँ के महापंडित हैं उनके द्वारा, और उसके बाद फिर भोग लगाया जाता है, तब फिर उसको प्रसाद देते हैं सबको। यज्ञ की अग्नि जो है मंत्र की शक्ति को बढ़ा देती है, कई गुना कर देती है, और शांतिकुंड में आपको मालूम है यहाँ नियमित यज्ञ होते हैं। हर आदमी आता है तो उसके मन में बड़ा आकर्षण होता है कि हम सुबह यज्ञ में शामिल हों, पवित्र संस्कारवान स्थान बन जाता है। यज्ञ से घरों में सुव्यवस्था और सुसंस्कारिता एक बड़ा अच्छा विलक्षण वातावरण बनता है। आप खुद देखेंगे अपने घर में परिवर्तन जब यज्ञ नियमित रूप से करेंगे। यज्ञ त्याग परोपकार और सहयोग सहकार एवं सम्मान का सर्वोत्तम शिक्षक है। संस्कृति का सम्मान हम लोग कर रहे हैं यज्ञ के माध्यम से। यज्ञ संसार का नाभि केंद्र है, जैसे मैंने कहा आपसे। यज्ञ सभी धार्मिक कार्यों का आधारभूत साधन है। हर संस्कार जो हमारे कराया जाता है यज्ञ के माध्यम से कराया जाता है, चाहे वो जन्म हुआ हो नवजात शिशु का, तो कोई सूतक उतक की बात नहीं है, आप यज्ञ करिए छोटा सा और उसके बाद उसको जन्म का उसी दिन उसका नामकरण कर दीजिए। नामकरण, अन्नप्राशन, विद्यारम्भ, इसके बाद जितने भी शिखा स्थापन और यज्ञोपवीत, ये सब के सब पूरे यज्ञ के साथ किए जाते हैं। यज्ञ से रोग निवारण, स्वास्थ्य संवर्धन, कीर्ति, यश, धन, प्रतिभा आदि अनेक देवी उपलब्धियाँ मिलती हैं। यज्ञ एक सिद्ध एवं पूर्ण विज्ञान है। आप करके देखिए, आपको लगेगा कि यज्ञ से श्रेष्ठ कोई विज्ञान नहीं, यज्ञ सबसे बड़ा विज्ञान है। युग ऋषि ने यज्ञ को वर्ग विशेष के कारागृह से मुक्त कराया। पहले लोग कहते थे हम यज्ञ कराएंगे तो इतना पैसा लेंगे, इतने करोड़ों रुपए लेंगे, लाख रुपए लेंगे, हजार रुपए लेंगे, परंतु अब जो है हमारे गायत्री परिवार के माध्यम से सारे भारत में सारे विश्व में संपन्न हो रहे हैं। जब हम विश्व के कोने कोने में, जैसे हम सिडनी में करा के आए यज्ञ, हम ऑकलैंड में करा के आए, हमने अमेरिका के 3 स्थानों पर कराया यज्ञ, LA लॉस एंजल्स में कराया, फिर हमने न्यू जर्सी में कराया, फिर हमने
वहाँ कराया, शिकागो में और इंग्लैंड में कराया हमने। इन सब में यज्ञों में इतने लोगों ने भाग लिया कि उन्होंने कहा हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारा यज्ञ में भागीदारी होगी। बाकी लोग जाते हैं, कथा वथा करते हैं, परंतु हमारी जो है यज्ञ की प्रक्रिया इतनी विलक्षण है कि इसके माध्यम से हम जन जन का इसमें भागीदारी कर सकते हैं। यज्ञ लोक शिक्षण का सबसे श्रेष्ठतम माध्यम है। मास टीचिंग जितने लोग बैठे हैं उन सबको सुना देते हैं। एक सबसे बड़ी बात यज्ञ से क्या होती है कि हम भारतीय संस्कृति का शिक्षण देते हैं। धोती कुर्ता पहन के आइए आप, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो बैठने में तो आप कुर्सी ले लीजिए, पर हम कोशिश करते हैं नीचे बैठें और धोती कुर्ते में रहें, भारतीय वेशभूषा में रहें। नारियाँ हमारी जो हैं साड़ियों में आएँ, आधुनिक वेशभूषा में ना आएँ, कोशिश करते हैं, ये हम लोग प्रयास करते हैं। यज्ञ से संसार में सृष्टि का शुभारंभ हुआ। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये सब यज्ञ के माध्यम से आए। द्रौपदी यज्ञ से आई। प्रद्युम्न के साथ हमारे विराट गायत्री परिवार का जन्म भी इसी से हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव ने पुनर्जीवित किया इस यज्ञ की विधा को। यह कोई औपचारिकता या खाना पूर्ति, संख्या पूर्ति नहीं है, बल्कि यह एक विशेष लक्ष्य के लिए आयोजित एक ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान है, विराट अनुष्ठान है। किसी इसमें यज्ञ में तीन प्रातः होती हैं, प्रयाज, याज और अनुयाज। तो आज जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो आज से प्रयाज चालू हो गया, अब आप इसकी तैयारी कीजिए, अब आप इसके लिए गायत्री जप का अनुपात बढ़ाइए और लोगों को समाचार दीजिए, अखंड ज्योति पत्रिका मंगाइए, सारा सामान मंगाइए जो आपको जरूरत, कोई बहुत ज़्यादा खर्चीला काम नहीं है। दूसरा है याज, यज्ञ जो उस दिन आप करेंगे, अनुयाज उसके बाद 2 तारीख के बाद, 2 जून से लेके आने वाली 2026 की वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी तक का जो कार्यक्रम है वो आपको बनाना है, वो हम आपको गाइड करेंगे पूरा। संपूर्ण देश इस यज्ञ के माध्यम से एक विराट यज्ञशाला के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। पूरा देश एक विराट यज्ञशाला बन जाएगा। आप देखिए इतना आनंद आएगा कि आपको स्वयं उस दिन लगेगा कि सारे भारत में परिवर्तन हो रहा है वातावरण का, और ये वातावरण जो है सूक्ष्म वातावरण है, और ये वैचारिक वातावरण, भावनात्मक वातावरण है। हमारे यहाँ गीत हम गाते हैं, हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञ में कर दीजिए, उसी में एक लाइन है, यज्ञ कुंडों से सजे हों ये सभी भूखंड सुंदर। ये सारे भूखंड जितने हैं यज्ञ कुंडों से सजे, हमारा वो सपना आपको सार्थक करना है इस 2 जून को। संगठन की अग्नि ज्वाला हो प्रकट जिनमें प्रखर हर। संगठन हमारा जो है इसी के माध्यम से एक स्पष्ट रूप में निकल के आएगा। 2 जून तो प्रारंभ है, यह नित निरंतर बढ़ता हुआ एक दिन संपूर्ण भूमंडल को अपने में समेट लेगा। आप देखिएगा अभी हमारे यहाँ के प्रति कुलपति यूनिवर्सिटी के, वो अभी लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया ये 3 देश जो हैं, ये पहले रशिया के हिस्से थे USSR के, अब ये अलग अलग हो गए। इन तीनों में उसने यज्ञ कराए हैं उन्होंने, और उन्होंने यज्ञ कराए हैं, और यज्ञ करने के लिए कुलपति और वहाँ के ऑफिसर्स और वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के प्रधानमंत्री सब आके बैठे हैं, और पैंट शर्ट बैठे थे कोई बात नहीं, धोती कुर्ता नहीं पहन सकते, पैंट शर्ट में ही सही, परंतु सबके सब जमीन पर बैठ कर उन्होंने यज्ञ संपन्न कराया। तो इस तरह से हम लोग सारे देश में, सारे विश्व में, कोने कोने में यज्ञ कराएंगे। ये जो 2 जून के बाद आपको प्रति रविवार सुविधानुसार आप देख लीजिए कि जो आपको अनुकूल पड़ता हो, नहीं प्रति रविवार नहीं कर सकते तो अल्टरनेट संडे कर लीजिए, आपको एक संडे अपने लिए चाहिए तो। कार्यकर्ताओं का, पुरोहितों का प्रशिक्षण इसके साथ साथ चालू हो जाए, कार्यकर्ता पुरोहित प्रशिक्षित हो जाएं और वो कर्मकांड करा सकें। कर्मकांड बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं है, आपको याद हो जाएंगे मंत्र, मंत्र याद होते ही आपको संस्कृत याद हो जाएगी, संस्कृत आते ही और यज्ञ आते ही आपके जीवन में आपको खुद पता चलेगा कि आपकी भाषा प्रांजल हो रही है और आपके संस्कार बदल रहे हैं, पूरे के पूरे परिवर्तित हो रहे हैं। घर घर गायत्री और घर घर यज्ञ हो जाएगा तो आनंद आ जाएगा। जो वातावरण बदल रहा है उसमें आपको हिस्सेदारी करनी है। विभिन्न क्रम जिन पर ध्यान दिया जाना है, घर घर गायत्री महाविद्या का तत्व दर्शन पहुँचाना आपको, पहला नंबर बिंदु 1, घर घर गायत्री महाविद्या का तत्व दर्शन कि गायत्री का पूरक यज्ञ है। देव स्थापना, नियमित उपासना ये आपको चालू कर देना है। अखंड ज्योति आदि मासिक पत्रिकाओं को पढ़ाने का क्रम, धर्मघट, ज्ञानघट स्थापित करना ताकि लोग जो उसमें यज्ञ में कुछ देना चाहते हैं तो उसमें दे दें, भले 1 रुपया हो, भले 10 पैसा हो, 4 आने हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। घर घर पारिवारिक ज्ञान मंदिरों की स्थापना, साहित्य का केंद्र गुरुदेव का, गुरुदेव कहते थे मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, तो विचार उनके जन 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 के घरों में स्थापित होने चाहिए। संस्कारों की प्रेरणा देने का कार्य आपको करना पड़ेगा, संपन्न कराने की व्यवस्था,
कई संस्कार घर में संपन्न हो सकते हैं। आप कहीं ना नामकरण करना थी, आइए ना हमारे यहाँ, हमारे हम यज्ञ कर रहे हैं उस दिन। स्थानीय संगठन शक्तिपीठ शांतिकुंज में बसे के माध्यम से नए लोगों को जोड़ना, अखंड ज्योति आदि पत्र पत्रिकाओं के विकरण हेतु ज्ञान दूत तैयार करना, ये आपको करना है इस क्रम को। और समयदानियों के प्रशिक्षण, नए पुराने निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को ढूंढना जिन्होंने पहले दीक्षा ली थी और अब सुप्त हो गए, उनको लाना, जनसंपर्क समयदान हेतु तैयार करना, उनके प्रशिक्षण और नियोजन की व्यवस्था करना, ये आपको करना है। आप फिर से सुन लीजिएगा हमारे इस रिकॉर्डिंग को तो आपको आप समझ में आ जाएगा क्या करना है। मिशन के आधारभूत कार्यक्रम जनसंपर्क को आपको सक्रिय बनाना है, जितने ज़्यादा शक्ति दे सकें उतना शक्ति देना है। और एक आपको सबसे पत्रक भरवाना है, देव परिवार का हम सदस्य बनते हैं। देव परिवार बनने में कोई दिक्कत नहीं, आप बड़े परिवार के अंग हो जाएंगे, लाखों करोड़ों व्यक्तियों के परिवार बन जाएगा। गायत्री तीर्थ शांतिकुंज के माध्यम से पूर्ण सहयोग किया जा रहा है, हम आपके साथ हैं, हम निरंतर आपके साथ सहयोग करते रहेंगे और आपको समय समय पर मार्गदर्शन देते रहेंगे। 12 जून को गायत्री जयंती तिथि के माध्यम से मनाई जा रही है इस वर्ष, और हर बार आपको गायत्री जयंती, गुरु पूर्णिमा, इन सब पर्वों पर समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहेगा। हमारी वेबसाइट awgp.org, dia.net.in पर ग्रहे ग्रहे गायत्री यज्ञ उपासना पेज पर जाएं और जहां यज्ञ कर्मकांड के निर्देश दिए हुए हैं उनको सुनिए। वीडियो है वहां पर, संक्षिप्त गायत्री उपासना, दैनिक बलि वैश्व, शांतिकुंज की विभिन्न जानकारियों का फोल्डर, संक्षिप्त कर्मकांड फोल्डर, जिलेवार पंजीयन हेतु सुविधा। आप पंजीयन करना चाहते हैं तो उसमें पंजीयन भी कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप लोग, आपको नहीं आता, आप अपने बेटों से, बेटियों से पूछिए, वो लोग सब कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, उनसे बात करिए। यूट्यूब पर मोबाइल पंडित नाम का एक हमने कर्मकांड संपन्न कराने के लिए प्रशिक्षण चालू किया है। आप यूट्यूब पर जाइए, मोबाइल पंडित टाइप करिए, मोबाइल पंडित के माध्यम से आपको सब कुछ पूरा प्रशिक्षण उधर से मिल जाएगा आपको कैसे करना है। एक मिस कॉल नंबर जिस पर यज्ञ संपन्न होने के पश्चात यजमान के मोबाइल से मिस कॉल जो किया जाता है वो जुड़ जाता है, हमारे पास वो आ जाएगा, ऑफिशियल रजिस्टर हो जाएगा। पुनः आपसे निवेदन है, आग्रह है कि एक दिवसीय कार्यक्रम न मानकर इसको एक प्रखर वैश्विक अभियान मानिए जो आने वाले 2026 तक परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी, अखंड दीपक के शुभारंभ की 100 वर्ष पूरे होने की स्थिति में होने वाला एक महानुष्ठान, इसमें आप भागीदारी करिए। भारत को विश्वगुरु हमको बनाना है, उसको बनाने के लिए, पुनः सक्षम बनाने के लिए 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य के माध्यम से उद्घोष कर रहे हैं, उसमें आपको भागीदारी करनी है, महत्वपूर्ण भूमिका आपको निभानी है। हमारी संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ कर्मकांड यज्ञ है और इसके आपके घर में संपन्न हो रहा है, शुरुआत आपके घर से हो रही है। आप ये मान के चलिए कि आप सुन रहे हैं इसको तो आपके घर में संपन्न हो रहा है। गायत्री परिवार लोकसेवी पुरोहितों के माध्यम से आपके घर में आया है, घर में नमन वंदन, स्वाध्याय, सत्संग जैसा वातावरण बने तो लोगों को लगेगा कि वास्तव में इनके ऊपर प्रभाव पड़ा है इसका, और आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय बनेगा, परिवार में संतान सुसंस्कारी बनेंगी, घर में स्वर्ग सा वातावरण बनेगा, बच्चे आपकी अच्छी प्रांजल भाषा बोलने लगेंगे, जो आज हमको टीचिंग कर रहा है मीडिया, जो सोशल मीडिया, उसकी वजह से बहुत गड़बड़ा रहा है वातावरण, तो ये बदलना चाहिए पूरा। और आप सुसंस्कारी परिवार, प्रगतिशील समाज, श्रेष्ठ निर्माण, राष्ट्र के निर्माण का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। अपने व्यस्त जीवन में से समय निकाल कर, अंतिम है आपके लिए आग्रह, अपने व्यस्त जीवन में समय निकाल कर आप युगतीर्थ शांतिकुंज में एक बार माँ गंगा की गोद, हिमालय की छाया, ऋषियों की तपस्थली में स्थित शांतिकुंज हरिद्वार में एक बार जरूर आएँ हरिद्वार, और आप उसकी आने के पहले पूर्व सूचना दें तो आपके रहने की व्यवस्था वगैरह सब की जा सकेगी। खूब खूब मंगल कामनाएं इस ग्रह ग्रह गायत्री यज्ञ, ग्रह ग्रह गायत्री उपासना, इस अभियान में शामिल होइए और सहभागिता करके आप अपने को आपको पुण्यवान बनाइए। खूब खूब मंगल कामनाएं।